रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी चंदौली जनपद के पीडीडीयू नगर में है। 1 जून को चंदौली लोकसभा सीट पर मतदान होना है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, उनका मिजाज क्या है, चुनाव को लेकर क्या रहा है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ की जनता वोटिंग करेगी, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? रिंकू सिंह। कहाँ के रहने वाले? कचमन। 1 जून को चंदौली लोकसभा सीट पर मतदान होगा, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या मुद्दा है इस बार? हाँ, मुद्दा कुछ नहीं है। विकास की क्या स्थिति है? विकास सब सही है। विकास ठीक ठाक है? विकास की स्थिति बढ़िया है, सब काम धाम हो रहा है अच्छे से? तो परिवर्तन बदलाव की स्थिति देखनी है? परिवर्तन न हो, सब कुछ ठीक ठाक है। मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सब ठीक ही ठाक चल रहा है। विकास का हुआ है? नहीं नहीं, सब नहीं, विकास तो भैया हुआ है, तभी ना सरकार आ रही है। विकास की स्थिति ठीक? एकदम बिल्कुल ठीक है। सब कुछ काम जो भी हो रहा है सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया हो रहा है, तभी ना आ रहे हैं फिर दोबारा। 1 जून को मतदान होना है, क्या सोच रहे हैं आप चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग होगी इस बार? वोटिंग तो हम लोग को तो बीजेपी मोदी को छोड़कर किसी को वोट देना ही नहीं है। जो भी है मोदी जी हैं मेरे लिए। क्या उन्होंने ऐसा किया कि इतने उत्साहित हैं मोदी जी को लेकर? उन्होंने हर तबके के लिए बढ़िया काम किया, ऐसा किया जो कि कोई सोच नहीं सकता है, ना आज तक कोई किया है वैसा। जैसे मैं गरीबों के लिए मकान देना, व्यापार भी देना, सब कुछ उन्होंने किया। कहा क्या जाए, उनकी तारीफ कम, जितनी की जाए कम है। काम बढ़िया चल रहा है उनका? काम बहुत बढ़िया है। सरकार के काम से संतुष्ट? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। मतलब बदलाव परिवर्तन नहीं करना है, जो भी है सब कुछ जो भी है, बस हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी और योगी जी, उनके अलावा और कोई नहीं। 4 जून के नतीजे के बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है और किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन राजेश गोस्वामी के साथ सुमित सिंह, न्यूज इंडिया, चंदौली। संपूर्ण भारत में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।